जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय आवाज जाएगा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जता जुग प्रणाम। हरे कृष्ण। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चंद्र बैठ गया। हरे कृष्ण। हाँ ये जो ग्रंथ है कहते ये ग्रंथ को प्रभुपाद ने जब उन्होंने अलग अलग समय पर उन्होंने हरिकथा की कहते हूँ तो हरि कथा में उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग भक्तों ने अलग अलग प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने इसका क्या उत्तर दिया है कहते ये वो ग्रंथ है। इसलिए हम श्रवण कर रहे थे कहते ये प्रभुपाद कौन है कहते ये प्रभुपाद कहते राधा रानी की नयन मणि मंदिर कहते ये नयन मणि मंदिर मतलब क्या होता है कहते नयन मतलब होता है आँखें हैं मणि मतलब होता है आँखों का अंदर में जो पुतला है
कदी ये कदी जितने सब सखियाँ हैं जो मंजरिया ये कौन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया। ब्रह्मा कहते हैं जब राधा रानी, इनका नाम ही राधा, राधा मतलब क्या होता है, इसका दो अर्थ गोपाल तापन उपनिषद में दो अर्थ बताया। बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा, बोले कृष्णम समा आराध्यते इति राधा। एक अर्थ होता है कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, इसका मतलब भी राधा होता है, पर राधा रानी जिनकी आराधना करते हैं ये भी मतलब राधा। राधा का जो विशेष अर्थ है जिसको भागवत में बताया अनयाराधितम, मतलब यद्यपि कृष्ण को सभी उपासना करते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में अगर कृष्ण की सारी इच्छाओं को अगर कोई पूरी करते हैं बोले श्री राधा रानी है, राधा रानी इनके जैसे कोई उनकी इच्छाओं को आराधना कोई कर ही नहीं सकते। इसलिए ये कहते राधा रानी ही ये अलग अलग रूप में कृष्ण सेवा करने के लिए उन्होंने एक एक उन्होंने रूप जो धारण किया है, कहते ये सब के सब सखी और मंजरिया है। इसलिए कहते प्रभुपाद कौन है ये, कहते प्रभुपाद कहते राधा रानी के नयन मणि मंजरी, आंख का जो पुतला है ये प्रभुपाद। कहते जब श्री प्रभुपाद नयन मणि मंजरी गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निकुंज महल में राधा जी की चरण की सेवा में ये संलग्न है, उनकी चरण की सेवा कर रहे, तब राधा रानी अपना नयन मणि मंजरी को बताए, बोले नयन मणि मंजरी जाओ देखो जगत में जीव कैसे भगवान से विमुख होकर के संसार में कैसे कष्ट उठा रहे, जाओ जीवों को कल्याण, बोले अकेले मत जाओ अपना परिकरों को लेकर, अपना भक्तों को लेकर के जाओ। इसलिए अभी प्रश्न प्रभुपाद आए क्यों, बोले इसलिए आए कि जो मायाबद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए। इसलिए श्रील प्रभुपाद नयन मणि मंजरी, इसलिए इन्होंने जो उपदेश दिया है, उनके जो उपदेश है अगर इसको, ये कौन है, प्रभुपाद खुद कहते हैं मैं एक पियन हूँ, मैं पियन, पियन समझते हो पोस्ट, जैसे पियन क्या बोलते हैं पोस्ट मास्टर है, जैसे कोई रुपया हो, जैसे कोई लेटर हो, जैसे एक व्यक्ति आकर के आपको दे जाते हैं ना, फिर उसी तरह हमें गोलोक वृंदावन से राधा रानी ने जो हमें संवाद दिया, जो हमें मैसेज दिया, वो मैसेज देने के लिए ये जगत में मैं आया हूँ। अगर कोई प्रभुपाद का ये उपदेश को ग्रहण करे तो क्या होगा, वो सीधा गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज महल में सीधा इनको सेवा के साथ। इसलिए कहते प्रभुपाद हैं, इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, जितने आचार्य आए, जितने प्रचारक दुनिया में, कहते एक तराजू ले, तराजू का एक तरफ में स्केल, तराजू ले करके उनका जो देन उन्होंने जो जगत में दिया है तराजू के एक तरफ में रख लो हैं, अभी तक जितने आचार्य हैं, दूसरे तरफ में प्रभुपाद ने जो जगत में दिया है उसको स्केल का दूसरे भाग में रखो, देखोगे प्रभुपाद का जो स्केल है ना कदम भारी पड़े, उनको भारी पड़े हैं। इसलिए कभी कभी मैं इसको सोच करके बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कितने सारे साधु लोग आए, कितने रामानुज मध्य हो, विष्णु स्वामी भारत हो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और जितने बहुत बड़े बड़े साधु आए ना, कितने बड़े बड़े साधु आए, कहते इन्होंने जो दिया है उसका स्केल का एक तरफ में रखो और प्रभुपाद का रखो भारी कैसे पड़ेगा एक व्यक्ति का। मैं कभी कभी ना मेरे मन में कन्फ्यूज होता था, फिर मैंने देखा तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो बताए वो भी गलत बता ही नहीं सकते हैं, वो तो कभी गलत बता ही नहीं सकते, नहीं जरूर उसमें कुछ है, क्योंकि ये कौन है बोले राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। इसलिए जिसके लिए कहते हैं ना मुनि द्रविंद बंदिते
त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससीम कृपा कटाक्ष भाजन। इसलिए कहते ना कदा करी ससीम कृपा कटाक्ष भाजन। कहते कहते राधारानी कहते क्या ये बंद हो गया? नहीं चलते हैं। अच्छा लो है इसमें जोड़ दो एक आप लोग चार्ज बताएं। मैं कल एक लें क्या है राधा रानी का जो कृपा करते सदा करी सची अम्मा कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते हे राधे कब ऐसा हमारी सौभाग्य होगा आपका जो कृपा कटाक्ष मतलब आपकी जो कृपा है हैं कृपा कटाक्ष से हम पात्र बनेंगे मतलब कब आपकी कृपा हमारे ऊपर होगी हैं आपका कृपा कटाक्ष होगी। इसलिए हम कहते हैं ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जग तेरा प्रति जागो का हृदय मोर सुमंगल आरती। सबर हम आरती करते हैं इसलिए क्या कहते हैं आरती में कहते शुभ दृष्टि कर प्रभु हे राधे हम सबको पर में आप कृपा दृष्टि करो शुभ दृष्टि हमारे ऊपर में करो। दृष्टि आंखों से दृष्टि करते ना कृपा करते हैं आंखों से करते हैं इसलिए राधा रानी जो कृपा करती हैं आंखों से करती हैं। इसलिए ये प्रभुपाद कौन है बोले कृपा कटाक्ष राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है जो कृपा ही ये प्रभुपाद है। कहते वो क्या कर बोले त्रिलोक शोक हारिणी राधा रानी की जो कृपा तीन लोगों का जो शोक है तीन लोगों का जो दुख को हरण कर देती है हरण कर देती है। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आशीजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरण ये महाप्रभु का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी नगर ग्राम में क्या होगा सबके सब सुखी होकर लोग मेरे नाम की ग्रहण करेंगे गली गलियों में हरि कीर्तन करेंगे। यदि ये काम को किसने सार्थकता किया हम लोग खुद तो किया ही है पर अलग अलग शिष्यों को दे करके उन्होंने सब जगह में भेजा और सर्वत्र प्रचार किया। इसलिए प्रभुपाद आए इसलिए आज हमें यहाँ बैठ करके हम हरि कीर्तन और हरि कथा हम कहेंगे। अगर प्रभुपाद नहीं आते तो हम यहाँ बैठ गए वहाँ क्या कर रहे हो इसलिए अगर प्रभुपाद नहीं आते तो हम अभी यहाँ बैठ करके हरि कीर्तन हरि कथा करते हैं कि प्रभुपाद का ही कृपा है। इसलिए ये जो ग्रंथ है अगर ये ग्रंथ कोई फॉलो करेगा उसका वास क्या हो राधा रानी की निकुंज मंदिर में उनका स्थान होगा ये उपदेश को जो अपना जीवन में ग्रहण करें। इसलिए आज हम एक उपदेश सुनेंगे हर में कल सबको पूछूंगा ठीक है। आज एक उपदेश सुना इनका प्रश्न है कभी इसलिए प्रभुपाद को भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर प्रश्न किया और प्रभुपाद उसको उत्तर दिया। यहाँ पर जो प्रश्न किया है कि भजन रहस्य जानते पारे ये बंगला मतलब है भजन का जो रहस्य कौन जान सकता है ये इनकी प्रश्न है तो उसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं बोले श्री स्वरूप रूपानुगवर श्री गुरुपाद पद मेरे विशेष विश्रम्भ सेवक ही भजन रहस्य जानते पारे। देखो ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन शब्द बहुत छोटा होने पर भी इसमें बड़ी रहस्य बात छुपा है। भजन तो सब करते हैं
लेकिन भजन का जो रहस्य को कौन समझ सकता है? तो बोलते भजन रहस्य वही जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? बोले स्वरूप रूपानुगबर गुरुपाद पद्मेर विश्रम सेवक ही भजन रहस्य जानते भाई। के जगत में तो बहुत गुरु होते हैं, जगत में बहुत गुरु होते हैं, लेकिन बहुत गुरु होने पर भी यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन भजन रहस्य को कौन समझ सकते हैं? तो भजन रहस्य को वही समझ सकते हैं भजन रहस्य को। तो देखो बोले जो व्यक्ति स्वरूप रूपानुग गुरुपाद जो विश्रम सेवा करते हैं, इसका मतलब है जो व्यक्ति ये स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी को जो अनुगत्य में जो गुरुदेव आए हैं, कहते इनके अनुगत्य में जो भजन करते हैं वही समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? इसलिए हमारे हमारे संप्रदाय में जितने सब बड़े बड़े जो साधु हुए हैं वैष्णव लोग हुए, ये सबके सब जब प्रार्थना करते हैं, देखो श्री नरोत्तम दास ठाकुर, तब ये कौन है? बोले महाप्रभु का प्रभाव। श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? बोले रूप रघुनाथ पदे हईवे अकोटि तबे हम भोजब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघुक मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनको भावना क्या है? बोले कब राधा कृष्ण के प्रेम को वह भजन रहस्य को कब समझ सकते हो? बोले तभी समझ सकते हो जब श्री रूपानुग होकर के स्वरूप दामोदर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और इनके अनुगत्य में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जब हम भजन करेंगे तो तभी हमें बुझा वैसे जुगल हो राधा कृष्ण का जो जुगल जो रस है प्रेम रस है तभी जान सकते हैं, नहीं तो जान नहीं सकते हो। कहते भक्त विनोद ठाकुर वो भी एक ही बात कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? बोले सुनी आज साधु मोके बोले सर्वजन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। कहते हमने साधुओं को मुँह से सुना, क्या बोले क्या सुना है? बोले साधुओं को मुँह से हमने ये बात को हमने सुनी है। कहते हैं सुनी आज से साधु मुख्य बोले सर्वजन, सब साधु एक ही बात कहते हैं श्री रूप कृपा मिले जुगल चरण। कहते राधा कृष्ण का जो जुगल चरण किसकी कृपा से प्राप्त होता है? बोले श्री रूप गोस्वामी कृपा से। कहते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं हर प्यार की लाश में कहते हैं रूप रूप रघुनाथ बदे रघुमर आज चैतन्य चरितामृत कृष्ण। हर प्यार में एक ही प्रार्थना करते हैं रूप रघुनाथ चरण हमारी आस रहे भावना उनके चरण में रहे। अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया क्यों इस सबके सब श्री रूपानुगत तो प्रार्थना की कारण किया है, इसलिए इसका कारण हमें बताए। कौन बता रहे हैं? कहते श्री रूप गोस्वामी कहते जब चैतन्य महाप्रभु को स्तुति करते हैं विदग्ध माधव नाटक का जो मंगलाचरण श्लोक है वो कहते बोले अनर्पित चरण विराट करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि प्रत सुंदर दुती कदम सन्निपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु रस चिनन। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं बोले महाप्रभु कौन है? बोले अनर्पित चरित्रात जो प्रेम को उन्हें दिया था तो ए लेकिन बड़ी दिनों पहले। बोले कितना दिन पहले? बोले ब्रह्मा का एक दिन पहले जब वो आए थे वो एक दिन पहले आकर के उज्जुल्लो गज प्रेम को देख रहे थे राधा जी की निकुंज सेवा में करे गए ब्रह्मा का एक दिन पहले मतलब 1000 चतुर्युग। फिर पुनः ये धन्य कलयुग में फिर आकर के उन्होंने क्या किया? बोले स्व भक्ति श्रिय है अपना भक्ति का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य क्या है? कहते ये मंजरी होने जैसे श्री
राधा कृष्ण की सेवा की है, वो भाव को उन्होंने अभी आकर के प्रदान किया। ऐसे जो सच्चिदानंद गौरहरी हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी प्रश्न है तो भैया वो जो मंजरी भाव उन्होंने दिया तो वो चीज़ है क्या चीज़ क्या है वो चीज़ है क्या चीज़ तो उनको महाप्रभु बोले नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। बोले वो केवल बदान्य नहीं तो सबसे बड़े दानी ये श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले उन्होंने क्या जगत में दिया, उन्होंने क्या दिया जगत में, फिर किसी भी शहर को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते उन्होंने श्री अपना मन शिक्षा ग्रंथ में ये चित्र लिखा है। तो उन्होंने मन शिक्षा ग्रंथ में क्या बताते हैं, बोले उन्होंने एक श्लोक बताई, उस श्लोक में ये कह रहे हैं अगर हमें पूछा जाए भैया तुम्हारी कृष्ण तुम्हारे साथ तुम्हारी क्या संबंध कृष्ण के साथ, अगर पूछे कृष्ण के साथ में तुम्हारी क्या संबंध, बोले भैया हमारे कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं। बोले फिर संबंध किसको साथ में, बोले हमारे संबंध तो श्री राधा में, इसलिए कृष्ण का साथ में हमारी संबंध है ये चीज़ को अच्छे तरह समझ लो बाद में पूछना। क्या इसलिए कृष्ण का साथ में हमारी संबंध है क्योंकि जो कृष्ण है ना हमारे जो स्वामी नहीं, मतलब हमारी जो स्वामी नहीं कौन है, श्री राधा रानी। कृष्ण क्या लगते हैं, बोले राधा रानी के ये प्रियतम लगते हैं, राधा रानी के ये प्रियतम लगते हैं, इसीलिए हमारे कृष्ण के साथ में संबंध है। लेकिन हमारे कृष्ण के साथ में डायरेक्ट संबंध नहीं है हमारी, तो डायरेक्ट संबंध किसको साथ में, बोले श्री राधा रानी को साथ में हमारी डायरेक्ट संबंध। इसलिए यहाँ पर बताए कहते हैं कि कृष्ण के तीन तरह के गोपियाँ हैं, कुछ सपक्ष है कहते कुछ विपक्ष और कुछ तटस्थ है। कहते उनके तीन तरह का गोपियाँ हैं, कहते ये सपक्ष गोपियाँ कौन है, मेरे सपक्ष गोपियाँ हुए हैं जो राधा केवल राधा जी की पक्ष लेने वाले हैं। कहते प्राण प्रेष्ट सखी और प्राण सखी, ये दो तरह का सखियाँ हैं जो कि केवल राधा रानी की तरफ लेने वाले हैं। कुछ जो सखियाँ हैं कहते ये तटस्थ है, तटस्थ मतलब वो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं लेकिन राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, दोनों को ये प्रेम करते हैं। कि इनका जो भावना क्या है, इनकी भावना है बोले जापकी राधा सापकी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बस एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव चौधरी। इनका जो भावना है जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल उन्होंने लीला करने के लिए दो हुए हैं लेकिन तत्व तो वो दो नहीं, तत्व तो एक ही, लेकिन केवल लीला विलास करने के लिए उन्होंने केवल दो उन्होंने रूप धारण किया है। इसलिए राधा या माधव देखो राधिका सह माधव, इसलिए दोनों दोनों में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए कहते ये दोनों को प्रेम करते हैं। लेकिन अगर तराजू लेकर के नापा जाए तो स्केल लेकर मापा जाए तो उसमें लेकिन लेने पर भी लेकिन जो ज़्यादा जो झुमका है ना श्री राधा जी की तरफ ही ज़्यादा झुमका है। दोनों को तो करते हैं लेकिन राधा जी की तरफ ही ज़्यादा थोड़ी सी झुमके हुए। कहते कुछ विपक्ष क्या है, बोले भैया विपक्ष कौन है, मतलब विपक्ष क्या है ये चंद्रावली सभ्या आदि जो सखियाँ हैं वो केवल कृष्ण का पक्ष लेने वाले हैं, ये और किसका पक्ष लेने वाले नहीं हैं। अगर कभी राधा रानी मान कर रही है, कभी राधा रानी मान की है और श्याम सुंदर सुंदर कुंज बना करके बैठे हैं, क्यों बनाए, वे कब श्री ईश्वर जी आए कि राधा रानी कब आए, कृष्ण मान सुंदर कुंज बना कर रखे लेकिन राधा रानी किस मान से मान करके रूप कर बैठी। ये जो कृष्ण पक्षिया जो सखियाँ ना कृष्ण राधा रानी से बोले थे ये जौवन को तुम नष्ट कर रहे हो, आज तुमने जो इतने सुंदर श्रृंगार किए हैं आज उसमें से ये सब जीवन को तुम बेकार गिनकर जाओ ना, कृष्ण के साथ में मिलो, हाँ जीवन को क्यों बेकार कर रहे हो, श्रृंगार को क्यों, जवान को क्यों बेकार कर रहे हो, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है ना, और कृष्ण पक्ष होने का नाते हुए क्या करते हैं राधा रानी अगर मान कि कृष्ण दुखी होकर बैठे हुए ये चाहते हैं राधा रानी को जा करके कृष्ण के साथ में मिलेगा, हाँ कृष्ण साथ में मिलेगा। कहते ये कृष्ण पक्ष है। अभी हाँ देखो और एक चीज़ अच्छे तरह समझो,
अभी यहाँ प्रश्न है जो राधा जी की पक्ष में जो है प्राण पृष्ठ सखी उनमें जो है और जो प्राण सखी है प्रिय नर्म सखी जो प्राण सखी है अभी इनकी भावना राधा जी की पक्ष में रहती इनका भावना क्या है भावना ये है क्या है कृष्ण के साथ में हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं हमारी जो डायरेक्ट संबंध राधा जी के साथ तो यहाँ प्रश्न होता है सर ये कृष्ण को प्रेम नहीं करते ये होता है ना क्या ये कृष्ण को प्रेम नहीं करते कहते ना ये हमारे डायरेक्ट कोई कृष्ण से कोई मतलब नहीं मतलब राधा रानी के साथ में है क्या फिर कृष्ण को प्रेम नहीं करते नहीं ज़्यादा प्रेम क्योंकि उदाहरण दिया राधा राधा रानी किसको प्रेम करती है कृष्ण को राधा रानी किसको प्रेम करती है कृष्ण को इसलिए कहते ये कहते जो प्यारे के जो प्यारे हैं हाँ प्यारे तो जो प्यारे हैं प्यारी राधा रानी ये जिनको ज़्यादा प्रेम करती हैं हाँ प्यारे के जो प्यारे कहते उसमें दो गुना प्रेम ज़्यादा है मतलब राधा रानी में जितना प्रेम है राधा रानी किसको प्रेम करती है कृष्ण को प्रेम करती है उनका सारे चेष्टा कृष्ण सेवा के लिए इसलिए कृष्ण को दो गुना प्रेम प्रेम प्यारे हैं राधा जी की प्रति जितना प्रेम है उससे ज़्यादा दो गुना अब कृष्ण में जितना प्यार प्यार प्रेम है ना उससे दो गुना चार गुना प्रेम राधा रानी में और राधा रानी में जितना प्रेम चार गुना उसका डबल प्रेम कृष्ण में मतलब आठ गुना प्रेम कृष्ण में समझ रहे हैं ना आठ गुना प्रेम कृष्ण में मतलब है जो सेवा करना चाहते हैं क्योंकि राधा जी के अनुगत्य में राधा जी को संपूर्ण रूप में राधा रानी को पता है कृष्ण को हम जो सुख देंगे ये केवल राधा रानी को ही पता है जब राधा जी की अनुगत्य में जब वो कृष्ण की सेवा करेंगे संपूर्ण रूप में कृष्ण सेवा प्राप्त होगी संपूर्ण रूप में डायरेक्ट सेवा करने से जितना राधा जी की अनुगत्य में करने से उससे ज्यादा संपूर्ण रूप में कृष्ण को जैसे समझो जैसे विजय है और प्रेमानंदी अभी जैसे इसको उसको खट्टा ज़्यादा प्यारा ना मीठा ज़्यादा प्यारा ना नमकीन ज़्यादा प्यारा इसको किसको पता है अगर जैसे विजय को हम सेवा करना चाहते हैं मानो उसको मीठा ज़्यादा पसंद है उसको नमकीन ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन हमने क्या किया उसको हमने नमकीन नमकीन दे दिया वो खाएगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको कितना प्यारा किसको किसको पता है इसको पता अगर इसको पूछ करके अगर उनको सेवा करे अगर भैया इसको क्या प्यारा इसको एक चीज पता हो क्योंकि सेवा करती है उनकी एक चीज पता है ये बोलेगी भैया उनको अगर सुखी करना चाहते हो उनको तृप्त करना चाहते ये चीज़ तो खुश हो जाए तो पूर्ण रूप में तभी खुश होंगे उसी तरह कृष्ण को अगर संपूर्ण रूप में खुश करना तो इसके अनुगत करना पड़ेगा राधा जी के अनुगत नहीं करना पड़ेगा तभी वो पूर्ण रूप कहते यही चीज को देने के लिए श्रीमन महाप्रभु कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर यही चीज को देने के लिए एक बार इसी जगत में आते ही मर प्रदान करते हैं कहते ये चीज को कब हम समझ सकते हैं कहते तभी समझ सकते हैं ये चीज को जब से रूपा अनुभव होकर कहते श्री रूप गोस्वामी को अनुगत कर जब हम ये सेवा को करेंगे तो गोस्वामी मतलब ये राधा रानी के रूप में मंजरी है उनका रूप है इसलिए कहना रूप रूप मतलब क्या राधा जी की रूप कृष्ण का रूप सबका रूप श्री रूप उनका भाव का रूप उसके प्रेम का रूप सबका जो रूप है श्री रूप गोस्वामी है इसे रूप गोस्वामी इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं प्रिय स्वरूप प्रेम स्वरूप सहजाभिरूप कथानुरूप स्वविलास रूप प्रभु रेख रूप उन्होंने रूप का जरी लगा दिया कहते ये सबका जो रूप है ना कहते ये श्री प्रभु गोस्वामी जब इनकी अनुगत में सेवा करेंगे तभी कहते हैं राधा कृष्ण के जितने कहते जो निकुंज सेवा में कभी कभी ललिता विशाखा सखियाँ इसमें प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करती हैं अगर इनके अनुगत में सेवा करना बाहर निसंत रूप में लीला में प्रवेश हो जाता है मूल है सेवा मूल है सेवा संपूर्ण सेवा के अधिकार जब श्री रूपानुभव होकर के सेवा करेंगे तो पूर्ण रूप में उनकी सेवा को प्राप्त होगी
इसलिए यहाँ पर गीता जो प्रश्न है, गीता के भजन रहस्य को कौन समझ सकता है? भजन तो सब करते हैं, नारायण का भक्ति भी भक्ति है, हैं? राम सीताराम का भक्ति भी भक्ति है, और श्री द्वारका जी कृष्ण का भक्ति भी भक्ति है, मथुरा से कृष्ण का भक्ति भी भक्ति है, और जब श्री राधा कृष्ण का भक्ति भी भक्ति है, लेकिन जब महाप्रभु की अनुगत्य में, जब श्री को गोस्वामी की अनुगत्य में जब हम सेवा करेंगे, फिर उसमें रूपो गोस्वामी बड़े सूक्ष्म विचार देते हैं, कहते मतलब राधा कृष्ण का भक्ति दो तरह से होता है, एक सत्या और एक परिज्ञा रहस्य, एक परिज्ञा रहस्य और एक सत्या रहस्य है। सत्या मतलब पति पत्नी को, जैसे श्री निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति करते हैं, वो भी राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं, एक वृंदावन वल्लभ राधा वल्लभ संप्रदाय रोज राधा कृष्ण का शादी करवाते हैं, रोज उनकी शादी होती है, ये सत्या भक्ति। लेकिन जो परकिया रस में जो अद्भुत जो आनंद है, परकिया भाव में जो आनंद है, वो केवल श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, परकिया में भी उसमें सपक और दीपक के तटस्था रूप में जो श्री रूपानुगत्व होकर के जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उनकी संपूर्ण सेवा रस पूर्ण रूप। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये भजन रहस्य को कौन समझ सकते हैं, ये भजन का जो रहस्य को कौन समझ सकता है, वही समझ सकते हैं जो व्यक्ति स्वरूप स्वरूप दामोदर कौन है, श्री ललिता सखी है, कहते रूपानुगत रूप मंजरी है, कहते इनके अनुगत श्री गुरुपाद, ऐसे जो गुरु परंपरा आया है, जो इनकी लाइन में जो गुरु परंपरा आई है, कि जो धारा में जो गुरु परंपरा आई है, तब ऐसे गुरुदेव का जो विश्रम भजन जानते पारे, जो ऐसे गुरु जी की शरण लेते हैं और ऐसे गुरु जी की जो सेवा करते हैं, ऐसे जो गुरु जी के विश्रम भर द्वारा इसलिए सेवा करते हैं, वही व्यक्ति ही कहते भजन का जो सबसे रहस्य है, जो प्रेम के लिए श्री ब्रह्मानंद ठाकुर की बात को कहते हैं, बोले ब्रह्म वीर वीर वांछित जे जगते फैली लाली कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली हे मान गौरंग बिना नानिया। इसमें कह रहे हैं फिर जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव ये लोग भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु और फिर रूपानुगत का अनुगत करने पर वो दुर्लभ प्रेम आसानी से हमें प्राप्त होगा, राधा कृष्ण की सेवा में आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए जहरा गुरुपाद पद में सुदृढ़ विश्वास और प्रीति आचे सही गुरुनिष्ठा भक्त ही विश्रम सेवक। इसलिए कहते गुरु जी की कैसी सेवा करनी चाहिए, मतलब विश्रम है ना गुरु सेवा, विश्रम भाव में सेवा करो। चलो भैया विश्रम का मतलब क्या होता है, विश्रम का मतलब क्या होता है, कहते विश्रम का मतलब होता है जो लोग ऐसे गुरुदेव के चरण को एकदम दृढ़ विश्वास और प्रीति, विश्वास और प्रीति को साथ में गुरु जी की जो सेवा करते हैं, इसलिए बोले चार तरह का सेवक है गुरु जी का, चार भगवान चार तरह का सेवक है, कितने तरह के, चार तरह का सेवक है, एक उत्तम और एक मध्यम, एक कनिष्ठ और एक अधम। इसलिए कहते चार तरह का है, कहते उत्तम सेवक कौन है, बोले उत्तम सेवक को हुए नहीं मना करने पर भी जो सेवा करते हैं, जैसे समझो जैसे पति बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, पति बाहर जा रहा है बड़ा ठंडा पड़ा हुआ, इतने में पत्नी कहती है बोले देखो आप बाहर काम के लिए जा रहे हो बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, साथ में एक साल ले जाओ, कोट ले जाओ और टिफिन में कुछ में खाना दे देता हूँ उसको ले जाओ, क्योंकि अगर दूर जा रहे हो अगर भूख लगेगा तो क्या खाना मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं है। पति कहता है नहीं नहीं मैं अभी जाऊंगा, अभी भी वापस आ जाऊंगा, इतना क्यों चिंता कर रहे हो,
लेकिन पत्नी कहती अगर किसी कारण से लेट हो गया तो फिर क्या करोगे, इसलिए पति मना करने पर भी पत्नी क्या करती है, एक कोर्ट को अच्छे तरह से बढ़िया तरह सजा करके बैग में रख देती है और टिफिन में खाना बढ़िया करके केक और सोयाबीन खेती और बढ़िया करके सब्जी को पैकिंग करके दे देती है, बोले इसको ले जाओ। पति मना कर रहे हैं लेकिन पत्नी जोर कर दे रही है। आप बताओ पति दुखी हो ना सुखी हो, बोलो पति सुखी होगा ना दुखी होगा, बता सुखी होगा ना, लेकिन वो तो मना कर रहा है, बोले नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी जोर करे, इसलिए पति मन मन में कितना खुश होगा, देखो मेरी बीवी मेरे कितना प्यार करती है, पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है, ऊपर मना कहती ऐसे जो सेवक को उस तरह सही बता, मना करने पर ही। इसलिए श्री बलदेव प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ना ये तो मुझे बोलते हैं, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु क्यों आए, कहा नहीं किया कहते रामलीला में लक्ष्मण को ऐसे कुछ काम करना पड़ा जो सेवक धर्म से विरुद्ध काम करता, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, सीता को तो ये माँ मानती है ना, लक्ष्मण माँ मानती है, भले इनके लिए सीता से जाओ लक्ष्मण से ना कष्ट मिला, क्योंकि छोटा भाई है ना, बड़े भाई का आदेश पालन करना पड़ेगा, मर्यादा इसीलिए नहीं चाहन करना पड़ेगा। और सीता को ये धोबी कहने पर हैं, धोबी जब भगवान के ऊपर एक लांछना लगाई हैं, मैं राम नहीं हूँ, रावण उठा करके ले गया और आया तो बराबर आसन दे दिया, इसको सुन करके राम इतने दुखी इतने दुखी हुए, उन्होंने लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण जाओ सीता को जंगल लेकिन वो तो माँ मानती है, कैसे अपना माँ को भगवान से अलग कैसे कर सकती है, लेकिन अपना छाती में पत्थर भर करके नहीं चाहने पर भी उन्होंने सीता को उन्होंने छोड़ कर गया, इसलिए लक्ष्मण बड़े बोले और मैं कभी छोटा भैया बन कर नहीं आऊँगा तो बड़ा भाई बन करके आऊँगा और कृष्ण मेरे आदेश पालन करेंगे, महाप्रभु मेरे आदेश पालन करेंगे, इसलिए नित्यानंद प्रभु और बलदेव प्रभु रूप में आए और छोटे भाई भगवान छोटे भाई बने और उनको जोर जबरदस्ती कृष्ण मना करने पर नहीं, बोले नहीं तेरे करना पड़ेगा ये ना, कि बड़े भाई है ना, बड़े भाई का आदेश छोटे भाई को पालन करना पड़ेगा, नहीं तेरे करना पड़ेगा, कृष्ण मना कर नहीं तेरे करना पड़ेगा, लेकिन क्यों सेवा, इसलिए वो सेवा कर सेवा रूप में कभी ये उत्तम सेवक उनको उत्तम सेवक होना, कभी ये मध्यम सेवक कौन है, मध्यम सबक ये है बोलने से पहले जो कहते आदेश देने से पहले मन की भावना को समझ करके जो कर दे ये कौन है, कहते मध्यम सबक, बोले कनिष्ठ सबक कौन है, बोले कनिष्ठ सबक हुए हैं आदेश देने पर बड़े जत्न और आदर पूर्वक जो आदेश को पालन करके कौन है, कहते ये कनिष्ठ सबक, अधम सेवक कौन है, अधम सेवक हुए हैं आदेश देने पर भी हैं, गुरुदेव आदेश देने लेकिन आदेश देने पर भी गुरुदेव अगर अगर ऐसे से ऐसे हुआ तो गुरुदेव बोले भैया वहाँ पर काम करके आओ, बोले अगर वो मिला नहीं तो क्यों निकल जाऊँगा वहाँ, बोले गुरुदेव अगर ऐसे ऐसे होगा, इसलिए कहते हैं आदेश देने पर भी जो आदेश का पालन नहीं करे, इसलिए गुरुदेव कहते हैं से ब क, और जो से को हटा दो रह जाएगा बक, बक मतलब बगुला क्रे, बगुला मतलब क्रे, ये लगे बगुला से होगा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते विश्रम सेवा मतलब क्या है, बोले विश्रम सेवा है जत से देव परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान ने तुम्हारी बुद्धि ऐसे गुरु की जा प्रति होनी चाहिए, बल्कि जितने भगवान के प्रति उससे ज़्यादा गुरु के प्रति और वैष्णव का प्रति उससे ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए, बट इनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विश्रम सेवक, उसको विश्रम सेवक कहते हैं, इसलिए हाँ इसलिए अचला भक्ति जहाँ गुरु का आचे सही महात्मा निकटे शास्त्रार्थ प्रकाशित है, ऐसे जो सेवक है कहते हृदय में, किसके हृदय में ये सारे शास्त्र तत्व किसके हृदय में प्रकाश होता है, पर उसके हृदय में प्रकाश होता है जो गुरु वैष्णव की अत्यंत रूप में प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, जैसे
भागवत में कथाया है। भागवत में कथाई है जब कृष्ण और सुदामा, गुरु माता ने बोला बेटा जाओ जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लेना। अभी कृष्ण सुदामा सूखी लकड़ी को उन्होंने इकट्ठे किए और सर पर लेकर खड़े हुए। इतने में इतने आंधी तूफान और इतने बारिश आई, चारों तरफ में पानी पानी, कहाँ गड्ढा कहाँ ऊंचा कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन भगवान स्वयं जिनकी एक इशारा पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि होती प्रलय हो जाए, आज भगवान गुरु सेवा के लिए उन्होंने सूखी लकड़ी को सर पर रखकर खड़े हुए। वो नीचे भी फेंके नहीं, वो नीचे भी नहीं फेंक दिए। क्यों? ठाकुर जी के लिए खाना कैसे बनता, गुरु जी की सेवा कैसे होगी, सर पर लेकर खड़े थे। जब शाम हो गया कृष्ण सुदामा वापस नहीं आए, इतने में गुरुदेव घूम कर घूमते आए, बोले कृष्ण सुदामा तुम दोनों कहाँ हो? बोले गुरुदेव हम यहाँ आए। बोले क्या कर रहे हो? देखो भगवान छाती तक पानी को भरे हुए, शरीर ठिठुर रहा था, शरीर कांप रहा था। इनकी सेवा की भावना को देख करके जाओ, इतने गुरु सेवा के लिए इतने चेष्टा, जाओ तुम्हारे दोनों के हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद सब के सब स्फूर्ति प्राप्त हो। इसलिए कौन कह रहे हैं? कृष्ण सुदामा कह रहे हैं। तो सुदामा द्वारका में आए, जिस पलंग के ऊपर भगवान लक्ष्मी को साथ में विश्राम करते हैं, एक ही पलंग में अपना सुदामा को बैठा करके कृष्ण उनको याद करवा रहे हैं। सुदामा याद है सब, हम सारी बात याद। तब कृष्ण कहते हैं ना अहम विद्या प्रजाति तपस उपर समन्वा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु तुष्यता। मैं गुरु वैष्णव सेवा में जितने संतुष्ट होता हूँ उतना पूजा पाठ व्रत तपस्या कर होता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भजन रहस्य कौन समझ सकते हैं? ऐसे जो रूपानुभवर जो रूपानुभव परंपरा में ऐसे जो गुरुपाद पद्म आए हैं, इनकी जो सेवा करते हैं वही व्यक्ति ही भजन का जो रहस्य को वही समझ सकते हैं। यदि इनका पहला नंबर बोले ठीक है, खत्म कर देते और समय खत्म हो गया। एक इसमें और ठीक और सदस्य और 5 मिनट से किसने प्रश्न किया? बोले प्रभुपाद हमारा की करे बल पावो घुसपल से करें, कहते भक्ति में हमें बल कैसे मिलेगा, हमें भक्ति में बल कैसे मिलेगा? देखना इस दुनिया में देखना हर चीज में हमारे बल, देखो काम करने के लिए पढ़ाई करने के लिए कितना साल हमने पढ़ाई की, काम करने के लिए 8-10 घंटा परिश्रम, खाना बनाने के लिए परिश्रम करते बल हो, सिनेमा जाने के लिए बल हो, पार्टी में जाने के लिए बल हो। लेकिन जब भक्ति की बात करते हैं उसी समय बल नहीं है। भक्ति की अगर बात कोई करे तो बोले झूमे झूमे तला से बाली से, भजन की कोई बोले ना सारे काम दुनिया के सारे काम करवा, इतना माला जो ये बोले नींद आ रही तकिया नींद आ रही। इसलिए कहते ये चीज में हमारी बल नहीं आती है, हर चीज में हमारी बल आ जाती है। इसलिए इनका प्रश्न है हमें भक्ति में बल कैसे मिलेगा, इसलिए इसका उत्तर देते हैं। बोले गुरुदेव सेवा आदर और प्रीति सहित कर ले हृदय प्रचुर बल आसिवे, गुरु सेवा और नाम सेवा द्वारा ही भक्ति बल हवे। यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति में बल तभी प्राप्त होगा, इसलिए भक्तिवर ठाकुर कहते हैं ना एकाकिया मार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धन ओए वैष्णव ठाकुर दया रसागर। इसलिए
एक करिए सबके सब श्री वैष्णव के चरण में गुरु जी के चरण में प्रार्थना कर रहे वैष्णव का गुरु हे गुरुदेव हम हमारी ऊपर में आप कृपा करो क्यों भरे भगवान की भक्ति में हमारी ताकत नहीं है एका कि अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने भगवान कीर्तन भजन के लिए अकेले हमें बल नहीं मिल रहा है इसलिए कि गुरुदेव है वैष्णव ठाकुर हमारी ऊपर में कृपा करो जैसे हमें बल मिले भजन करने हमें बल मिले इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते जो व्यक्ति प्रीति को साथ में क्या करेगा कहते गुरुदेव का सेवा करेगा और हरिनाम की सेवा करेगा उसको प्रचुर बल मिलेगा उसको भक्ति में प्रचुर बल मिलेगा अभी कहते भैया गुरुदेव का क्या सेवा है क्या गुरुदेव कहते मेरा दिन पर शरीर में तेल लगा और हमारे तैयार की सेवा और तैयार इसलिए बोले जो सेवा दो तरह का कहते एक बपू सेवा और एक बाणी सेवा सेवा कितने तरह की दो तरह की एक बपू सेवा और एक बाणी सेवा बपू सेवा मतलब होता है जो शरीर की सेवा गुरुदेव को खिलाना पिलाना उनकी चरण दबाना शरीर में तेल लगाना कहते ये बपू सेवा और दूसरा सेवा कहते बाणी सेवा मतलब क्या है बाणी सेवा है गुरुदेव का जो आदेश है गुरुदेव जिस परंपरा में आए गुरुदेव जिस परंपरा में आए हैं उसी परंपरा में जो महापुरुष का वाणी को सर्वत्र जो प्रचार और प्रसार करते हैं महापुरुष का वाणी को जो सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं इसलिए एक बपु सेवा और एक वाणी सेवा है दो तरह का सेवा अभी प्रश्न है फिर गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं गुरुदेव हमें हमसे चाहते हैं क्या गुरुदेव हमसे एक ही चीज चाहते हैं एक एक चीज क्या चाहते हैं बोलिए गुरुदेव जगत में क्यों आए ये गुरुदेव जगत में आए क्यों इसलिए बताए ना संसार दाबा नली धलो प्राणाय कारुण घना घना प्राप्त कल्याण गुणार्णवश वंदे गुरुश्री चरणारविंद इसलिए गुरुदेव जगत में इसलिए आए गुरुदेव कौन है निकुंज जू नर तिकेल सिद्धई जाजाल बीज तिरपेक्षणिया तत्रादि दाक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे गुरुश्री गुरुदेव राधा रानी के कुंज महल में राधा जी चरण की सेवा इसलिए राधा रानी की आदेश को प्राप्त करके हैं यदि गुरुदेव कौन है बोले भगवान का राधा रानी के हृदय जो राधा रानी की जो कृपा राधा रानी को जो कृपा वो कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण किया है हैं मूर्ति रूप धारण करके इस जगत में गुरुपाद पद्मा है इसलिए गुरुदेव हमसे चाहते हैं गुरुदेव एक ही चीज चाहते हैं पहला नंबर है निष्कपट होकर निष्कपट होकर के हृदय को सरल करके हैं हृदय को सरल करते हुए भगवान निष्कपट होकर भगवान ये गुरु जी की ये एक इच्छा पहला इच्छा है और भजन को साथ साथ में दूसरा क्या काम करो भजन करो उसको साथ में जगत में हरि भक्ति को जगत में प्रचार करो भगवान कथा को जगत में प्रचार करो इसलिए भजन करो उसके बाद में प्रचार करो गुरु जी की यही इच्छा है इसलिए यदि ये आदेश को जो जितनी अच्छे तरह से पालना कर सकता है उसको बड़े गुरु जी की उतना ही कृपा इसलिए जिस समय से ध्रुव महाराज जब वो वैकुंठ विजय कर रहे थे काल स्वयं बोले कहाँ जा रहे हो बोले वैकुंठ जा रहा बोले तुम कौन बोले मैं काल हो बोले बैठ जा ध्रुव महाराज क्या किया अपना चरण को उनके सर पर रख करके सीढ़ी बना कर दी जब वो वैकुंठ विजय कर रहे थे नारद जी इतने प्रसन्न हो रहे थे नारद जी तो बिना बजा बजा करके नाच रहे थे नारद जी बिना बजा बजा करके नाच रहे थे बोले क्यों नाच रहे थे बोले आज मेरी कृपा से मेरे से मंत्र प्राप्त करके आज तेरे जी कहाँ जा रहे वैकुंठ भगवान का धाम में जा रहे
इसलिए मेरा मंत्र देना हाँ आज जीवन में सार्थकता हो गया, क्योंकि जीव भाव बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास में जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारी ताकत कब मिलेगा, और जब हम श्री गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे। उनका सेवा मतलब क्या है, बहु सेवा, वाणी सेवा, प्रचार सेवा, और निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करें। इसलिए यहाँ पर कहते गुरु सेवा और नाम सेवा द्वारा ही भक्ति बल पावे। इसलिए गुरु जी की सेवा करना और उसके साथ साथ में गुरु जी फिर क्या कहते हैं, दिन भर मेरी सेवा करते हो, प्यार दबाते रहो, तेल मालिश करते हो, गुरुदेव ठीक करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं गुरुदेव, हम गुरुदेव को क्या कहते हैं, हमारे गुरुदेव कौन है, बोले श्री अभिन्न नित्यानंद अभिन्न कहते ना, गुरुदेव कौन है, गुरुदेव का दो स्वरूप माने, क्या दो स्वरूप मानी गई, एक स्वरूप मानी गई गुरुदेव को ये नित्यानंद अभिन्न अखंड गुरु तत्व नित्यानंद, और दूसरे जो रूप मानी गई कि राधा रानी की प्रिय अत्यंत प्रिय शक्ति, राधा की अत्यंत प्रिय शक्ति श्री राधा रानी। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया सारे गुरुदेव के यही है, जगत में जितने गुरुदेव किए ये सबके सब राधा रानी की प्रिय शक्ति, और इनको और ये सबके सब किया नित्यानंद अभिन्न है, सब बलदेव प्रकाश है, सबके सब किया नहीं, प्रभुपाद ये सब नहीं है, ये सब सभी नहीं है। इसलिए हमारे भारत में जाओ यहाँ पर तो इतना नहीं भारत जय होते हैं, तो भगवान भगवान कुछ नहीं, मंदिर में जाओ भगवान भगवान कुछ नहीं, मंदिर ही बड़ा सा है, जय गुरुदेव गुरुदेव सब कुछ है, भगवान भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वही नित्यानंद अभिन्न, वही बलदेव प्रभु प्रकाश और बोले उनका आदर्श को जो जीवन में ग्रहण करते हैं, बलदेव प्रभु का क्या आदर्श है, नित्यानंद प्रभु का क्या आदर्श है, कहते ये कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी कहते केवल बल कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, इतना ही प्रकाश इतना ही भिन्न, ज्यादा भिन्न नहीं है, केवल काले ये गोरे हैं, तो दोनों भाई एक तो समान प्रकाश, केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए दो बने हैं लेकिन एक, लेकिन होते हुए भी बलदेव प्रभु कर रहे हैं क्या, तो बलदेव प्रभु दिन रात कृष्ण सेवा, उनकी पादुका भी बलदेव प्रभु बन गई, भगवान के वस्त्र देखो श्री बलदेव प्रभु, उनकी जननी देखो श्री बलदेव प्रभु, मृदंग देखो बलदेव प्रभु, मजिरा देखो बलदेव प्रभु, ये मंत्र भी बलदेव प्रभु, उनकी छत्र भी बलदेव प्रभु, उनकी चामर भी बलदेव प्रभु, जो कुछ उनको सिंहासन भी कौन है बलदेव प्रभु, सिर्फ दस रूप से भगवान की सेवा के लिए अभिन्न होते हुए भी कहते सेवा में इतने आनंद सेवा में दिन रात कृष्ण सेवा, और पंच रसों से भगवान जैसे कृष्ण जंगल में गए खेलते खेलते थक गए, क्या करते हैं बलदेव प्रभु का जंगल पर सर्वत्र सो जाते हैं, तो सर्व पर सो जाते हैं, इसलिए कहीं फल मिला कृष्ण को कन्या बड़ा मीठा फल ना कृष्ण को खिलाते हैं, कभी शासन करते हैं कृष्ण को कहते, कभी हाँ प्यार देते हैं, कभी सखा रूप में कृष्ण को साथ में करते हैं, कभी श्री अनंग मंजर रूप में श्रृंगार रस में राधा जी की छोटी बहन बैठते की सेवा, मतलब हर तरह से कृष्ण सेवा करते हैं। और राधा रानी क्या करती हैं, कहते कौन सा गुरुदेव राधा जी का प्रकाश मान, राधा रानी क्या करती हैं, राधा रानी क्या दिन रात कृष्ण सेवा करती हैं। इसलिए जब राधा रानी जब नंदगांव में आते हैं ना, मैया जसोदा जटिला कुटिला को रुपया पैसा गहना गाठी का लोग दे करके राधा रानी को बुलाते हैं जाबट से, और राधा रानी जाबट से आकर खाना बनाते हैं, जब खाना बनाती हैं कहते राधा रानी कितने कोमल है, कहते राधा रानी का शरीर इतने कोमल राधा रानी का शरीर, जो चंद्रमा का जो किरण इसको शरीर पे अगर ऊपर पड़ना तभी राधा रानी को ताप मिलेगा, राधा रानी के शरीर में इतने कोमल, चंद्रमा का किरण कितना सुशीतल है वो भी राधा रानी को शरीर में कष्ट देता है, लेकिन जब कृष्ण के लिए खाना बनाती है ना वहाँ पर 10-20 भाटी भाटी समझती हो चूल्हा जलती है, जो कंडे में जैसे लकड़ी का चूल्हे हैं चारों तरफ में 15-20 चलती रहती है,
पर माता जी एक जगह पर रसोई बनाती हैं, पता होगा जो आग जलती कितना सती है, हैं? लेकिन लेकिन जो 15-20 जो भाटी जलता होगा राधा रानी उसको बीच में बैठी है, और कितने गर्मी होगा, लेकिन राधा रानी को ऐसे लगता है जैसे मैं एयर कंडीशनर रूम में बैठी ऐसे लगती है। और आदेश बोले ललिते अभी कृष्ण आने का वापस आने का समय हो गया, पनीर का सब्जी बना दो। विशाखा को बोलते हैं तुम ही जल्दी जल्दी बनाओ। चंपकलता को बोलती है जल्दी जल्दी तुम क्या बनाओ, पकौड़ा बनाओ, जल्दी जल्दी तुम चावल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। राधा रानी आदेश देती है और अपना हाथों से एक लड्डू राधा रानी बनाती जिसका नाम मनोहर लड्डू है। मनोहर लड्डू जिसमें काजू पिस्ता बादाम दे देकर राधा रानी अपना हाथों से बनाती है। और कृष्ण उसको कब खाते हैं, जब सब खाना खत्म हो जाता है ना, सबका खाना खत्म हो जाता है, जब राधा रानी का वो लड्डू कृष्ण खाते हैं, खा करके खुश हो जाओ, खुश हो जाते हैं, बढ़िया चीज खाते हैं, बोले बगल बजा यार हरी, बोले लड्डू बनाया बगल बजा करके कृष्ण प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, कृष्ण लाच लग जाते, कितने सुंदर लड्डू राधा रानी बनाए। इसलिए राधा रानी हाँ इतने राधा रानी दिन रात कृष्ण सेवा करती है राधा रानी। ऐसे जो राधा रानी है कहते किसको राधा रानी का प्रकाश मानते, कौन सा गुरुदेव, राधा रानी जैसे हर समय कृष्ण सेवा करती हैं, गुरुदेव क्या करते हैं, शिव विग्रह आराधन निष्ठनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त से भक्ता से निजुंज तो भी वंदे गुरु श्री चरणा। गुरुदेव क्या करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं, उनका अनुगत में जो आने वाले व्यक्तियों को ये ना कहते मेरा सेवा करो, किसकी सेवा करो, ठाकुर की सेवा, राधा रानी की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, खुद सेवा करते हैं और दूसरों को भी सेवा में जो लगाते हैं। ऐसे जो गुरुदेव मेरे हैं कहते ऐसे गुरुदेव की सेवा, और दूसरा सेवा क्या है कहते नाम सेवा, गुरु सेवा, और उसको साथ साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके साथ में हरि नाम की सेवा करनी चाहिए। नाम सेवा और गुरु सेवा, ये दोनों सेवा को जो करते हैं फिर क्या होगा, उनके हृदय में बल प्रदान, उसके हृदय में भजन करने से बल, भजन करने उसके हृदय में बल आता है। ठीक है, लौर प्रेमानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, hey।
प्रभुपाद रत्न की जय। प्रभुपाद की जय। पिता गौर ब्रह्मानंद देव।